हाय दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ प्लांट इन वन चैनल पे। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे सामने पॉली बैग हैं, आप ये देख सकते हैं, एक बड़ा है और एक ही छोटा है। आपको इसमें ये चंपा की जो कटिंग है आपको एक ग्रो करके दिखाऊंगा। ये मेरे दोस्त ने दी थी मुझे, आप देख सकते हैं ये छोटी जो कटिंग है मैं इस बैग में लगाऊँगा और जो बड़ी कटिंग है मैं इसमें लगाऊँगा। तो इसको लगाने का तरीका यही है कि जब भी आप ये कटिंग काट के लाएँ तो आप उसे 7 दिन तक शेड में रखें। आप इसे रूम में रख सकते हैं, ये मैंने रूम में रखी थी अपने। 7 दिन तक जब ये हिस्सा जो कट वाला हिस्सा जो है ये जब ड्राई हो जाए तब ये आप ग्रो करें। अगर ये पूरा ड्राई नहीं होगा तो इसमें फंगस लगने का चांस होंगे, और जो यहाँ पे लीव होते हैं उनको भी हटा दें। तो आप देख सकते हैं जो छोटे लीव्स हैं इनको रहने दीजिए। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी अभी तक चल रही है, क्यों इसमें अभी तक मॉइस्ट है। आप ये वाली कटिंग भी देख सकते हैं, इसके मैंने ये वाला लीव नहीं हटाया था। देखिए दोस्तों, इसमें अभी वाइट लिक्विड होगा, तो जब तक वाइट लिक्विड सूखेगा नहीं तब तक आपको कटिंग नहीं लगानी इसकी। अगर आप समर में लगाएंगे इस टाइम तो ये जल्दी ग्रो होगी, वन मंथ में ग्रो हो जाएगी। और अगर आप इसे विंटर में लगाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगाएगी ग्रो होने में, और इसमें आपको वाटरिंग भी कम करनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें लगाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसमें बालू मिट्टी और कोकोपीट मिक्स करी है मैंने, और कुछ मिक्स नहीं करा। तो इसमें मैं पहले होल कर लेता हूँ, ये स्टिक है इससे कर लेते हैं होल। इसमें एक बड़ा सा होल करना है, और इसमें मैं एक ये रख देता हूँ सीधा, और इसमें बाकी की सॉइल जो है मैं वो भी डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको आपको ज़्यादा अंदर नहीं करना। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी कटिंग लग रही है इसको आप बिल्कुल भी ना हिलाएं, अगर ये हिलेगी तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। और दोस्तों देखिए, मैंने इसमें सॉइल भर दी, और मैं आपको कटिंग में पानी डालने का तरीका बताऊंगा एक। तो इसको अभी आपको क्या करना है, इसको हल्के से पटकना है। ये देखिए दोस्तों, हिलनी नहीं चाहिए। एक ये मैं बड़ी वाली कटिंग लगा दी, अब ये जो छोटी वाली कटिंग है तो मैं आसानी से बैग में लगा दूंगा। इसमें आपको हल्का सा होल करना है, और इसको यहीं पर ही और बड़े होल कर देता हूँ ज़रा इसमें। ये देखिए दोस्तों, इसमें आप सॉइल डाल लेंगे, इसको मैं पटक देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कटिंग लगा दी। दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसी एक थाली लेनी है। तो कटिंग जो है आपकी, मैं पहले आपको छोटे वाले को रख के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें छोटी कटिंग रखी है। अब आपको इसमें वाटर डालना है। जो कटिंग आपकी सूखती हैं उसकी वजह यही होती है कि उसको वाटर नहीं मिलता सही से। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने पानी डाल लिया। अब ये जो सॉइल है ये धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करती रहेगी, और ऊपर तक ऊपर की सरफेस पूरी मॉइस्ट हो जाएगी। हमें मॉइस्ट रखना है, एकदम पूरा वेट नहीं रखना, उससे प्लांट गल भी सकता है। और ये चंपा है, चंपा को कम पानी दें तो अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो जब इसकी सरफेस ऊपर से मॉइस्ट हो जाएगी तो हम इसको हटा के रख देंगे, और इसको आपको सेमी शेड में रखना है जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट ना आती हो और ना ज़्यादा शेड हो। आप ग्रीन नेट के भी नीचे रख सकते हैं तो आसानी से ग्रो हो जाएगी। दोस्तों देखिए, इसको अब 1 मंथ लगेगा, यानी 1 महीना लगेगा ग्रो होने में। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपको बाद में मिलूँगा जब इसकी अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसकी जो ये नए लीव्स निकलना है ये बड़े हो जाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा।
तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए मुझे आपको इतना ही बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन भी आप दबाएं करें अगर आप वो नहीं दबाएंगे तो। जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा उसका। तो बस दोस्तों अगली बार मैं फिर मिलूँगा एक नए प्लान के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।